हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैसी टैरेट। कैसे हैं आप सभी लोग? होप अच्छे होंगे। देखते हैं ये मंथ जो है वो आपके लिए कैसा जाने वाला है और क्या ब्लेसिंग्स हैं इस मंथ आपके लिए। सो प्लीज़ एंजल्स हमें गाइड कीजिएगा, गार्जियन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, स्पिरिट्स गाइड कीजिएगा। ओके, तो ये कार्ड। ओके, तो यहाँ पर आप किसी तरीके के आपका जो ये मंथ है उसमें किसी मेजर, या तो आप पेन से बाहर निकलेंगे या तो फिर यहाँ पर आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जिससे आप पेन में जा सकते हैं। पेन इन द सेंस, अरे ये कैसे हो गया, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था, ये किस टाइप का हो गया, मैंने इससे तो ये चीज़ उम्मीद की ही नहीं थी। तो इस तरीके के कुछ सिचुएशंस यहाँ पर आपके साथ हो सकती हैं ऐसी जो आपने या तो सोची नहीं होंगी या तो आपको पता होगा लेकिन आपने इतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। कुछ लोगों का यहाँ पर जो भी सिचुएशंस नेगेटिव्स चल रही हैं वो एंड भी हो सकती हैं, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर थोड़ी सी तकलीफ़ों का सामना मैं देख पा रही हूँ कि करना पड़ सकता है। देखते हैं और क्या है। ओके, तो कुछ लोगों को यहाँ पर पैसों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं यहाँ पर, जो कि हो सकता हो आपके लाइफ में स्टेबल ना हो रही हो, उसकी वजह से वो दिक्कतें आ रही हों, जिसकी वजह से आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं यहाँ पर। ओ माई गॉड, ब्यूटीफुल। मैंने कहा ना कुछ लोगों के लाइफ में यहाँ पर पेन जो है वो एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। और एक यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपके लाइफ में यहाँ पर एक चैप्टर जो है जो या तो बहुत तकलीफ़ों से गुजर रहा है वो यहाँ पर ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों की एनर्जी में चेंजेस होने को हैं। कुछ ही लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि वो पेन में जा सकते हैं, बट ज़्यादातर लोगों के लाइफ में पेन जो है वो एंड होने को है। और ये बहुत अच्छी ऊर्जा है कि हम तकलीफ़ों से बाहर निकल रहे हैं इस मंथ में, तो ये बहुत अच्छी बात है। ज़रूर अब किसी चीज़ से निकलेंगे, थोड़ी तो तकलीफ हमें होती है, वह थोड़ी तकलीफ़ों का सामना तो करना पड़ता ही है। तो यहाँ पर ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि एक चैप्टर जो है वो लाइफ में आपके यहाँ पर एंड होने को है। आपकी तकलीफ़ों का हो सकता हो यहाँ पर एंड हो, या क्राइसिस, पैसों की प्रॉब्लम चल रही है, दिक्कतें चल रही हैं, उन चीज़ों से यहाँ पर आपको निजात मिल सकती है। ज़्यादातर लोगों के लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकता हो सडन तो एंड नहीं होंगी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर एंड होने की कगार पर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार अब मैं थोड़ा थोड़ा करके मेरे सर से बर्डन ख़त्म हो रही है, रिलैक्स हो रहा हूँ मैं या हो रही हूँ, इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर आ सकती है। ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। खुश हो जाइए आप लोग, आपके लाइफ से प्रॉब्लम्स यहाँ पर, मेजर लोगों की लाइफ से प्रॉब्लम्स यहाँ पर एंड होने को हैं। आपकी लाइफ में इस मंथ में यही ब्लेसिंग्स हैं, जो भी आपके साथ नेगेटिविटीज चल रही हैं, खुश नहीं हैं आप किसी चीज़ में, अगर यहाँ पर आपको ये लग रहा है कि मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा था, तो यहाँ पर आपको उन चीज़ों में एक बढ़ोतरी करते हुए नज़र आएंगे, यहाँ पर स्टेबल होते हुए नज़र आ सकते हैं, छोटी सी चीज़ों का सेलिब्रेट कर सकते हैं, हो सकता है वो कुछ बेनिफिट्स हो जाए यहाँ पर आपके साथ, पैसों का प्रॉफिट हो जाए, फाइनेंशियल सिचुएशंस यहाँ पर आपके सुधरने लगे, तो ये सिचुएशंस भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ओके, आपको यहाँ पर ये देखने की ज़रूरत है अगर आप किसी चीज़ से परेशान हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको इस मंथ यहाँ पर ये भी देखने के लिए कहा जा रहा है कि बचें उन चीज़ों से। अगर आपको कहीं पर ये लगता है कि नहीं मेरे साथ गलत हो सकता है, तो उन चीज़ों से आपको तुरंत अवेयर होने की ज़रूरत है, बचने की ज़रूरत है यहाँ पर। किसी तरीके का अगर धोखा आपको मिल रहा है, आपको पता है कि मुझे यहाँ से धोखा मिल सकता है, तो सचेत होने की ज़रूरत है। क्यों हम किसी को अपने आप को नुकसान यहाँ पर पहुँचाने दें, उस समय का इंतज़ार ही किस बात का करना। ये ऊर्जा शायद इसी के साथ आई होगी कि अगर हमें पता है कि हम यहाँ पर तकलीफ में हैं और हमें हर्ट होना है सामने वाले से, या हमें मालूम है कि लोग हमें अवेयर कर रहे हैं कि हम गलत हैं या गलत रास्ते पे हैं या गलत ट्रैक पे जा रहे हैं या हमारे साथ गलत हो सकता है या ये सामने वाला पर्सन गलत कर रहा है, तो हमें उस चीज़ को वहीं पर स्टॉप करना होगा। ये चीज़ यहाँ पर मैसेज आपको निकल कर आया है कि आपको अगर लोग आपके लोग आपको अवेयर कर रहे हैं कि आप चीज़ों में नेगेटिव चीज़ों में मत उलझिए,
ताकि आपको ही परेशानी ना हो, तो उस चीज़ पर आपको काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें आपके साथ बेशक आ रही हैं, लेकिन आपको उस चीज़ को समझना होगा कि वो अच्छी चीज़ें हम तभी ले पाएंगे जब हम नेगेटिव चीज़ों को निकाल के बाहर हटाएंगे। हमें सचेत होने की ज़रूरत है यहाँ पर, हमारा अच्छा कौन है, हमारा बुरा चाहने वाला कौन है, हमारा अच्छा चाहने वाला कौन है। ओके, तो यहाँ पर इस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ सकती है इस मंथ में, तो आपको ध्यान देना होगा यहाँ पर। देखते हैं और क्या ब्लेसिंग्स हैं। ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल। काम में आपको अपने एक रेडी टू एक्शन वाली एनर्जी में यहाँ पर आप अपने नज़र आ सकते हैं। अपने वर्क प्लेस पर आप यहाँ पर एक ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ, एक जोश के साथ, एक इंथ्यूजियाज़म के साथ अपने काम को आप करने में यहाँ पर लगेंगे, और ये बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग यहाँ पर अपने काम को एक और नया अंजाम, जिसको कहते हैं कुछ नया उसमें बिल्ड करना, कुछ नया डालना, अगर आपका ऑनलाइन काम है तो आप उसको और अच्छे से निखारना शुरू करेंगे, अगर आपकी शॉप्स है, आपका बिजनेस है, तो उसमें और कैसे ग्रोथ लाई जाए, उस पर यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप सोचते हुए नज़र आएंगे, करेंगे भी, उस पर काम भी करने की आप अपना मन बनाएंगे कि नहीं, मुझे और कुछ एक्टिव करना है, मुझे और उसमें जान डालनी है, मुझे और। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जिनका ऑनलाइन काम है वो एक 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 अच्छे सिचुएशंस में गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं, उनको एक अच्छी ग्रोथ भी यहाँ पर देखते हुए नज़र आ मैं पा रही हूँ। लेकिन यहाँ पर आपको स्टेप लेना होगा अपनी चीज़ों में, नई जान, अगर आपको लग रहा है कि वही रेपिटेटिव चीज़ें हैं तो उसमें एक नई जान डालनी होगी, एक नया पॉइंट आपको उसमें देना होगा ताकि वो किक ले सके आपके काम में। ओके, तो यस, यहाँ पर आपको वर्क प्लेस पर यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स है, बट आपको थोड़ा सा अपने काम पर फोकस और जिम्मेदारी के साथ करना होगा ताकि आप जो है और अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकें। ब्यूटीफुल। ओके, तो ये यहाँ पर आपको अगेन कुछ चीज़ों को यहाँ पर सोच कर समझ कर करने के लिए बोला जा रहा है इस मंथ में। अगर आपको लगता है कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ किसी चीज़ के लिए, तो उस पर आपको बेशक स्टॉप करना है, उस वक्त रुक जाइए। उस वक्त अगर आपको ये सिचुएशन आ रही है कि नहीं अभी मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे रुकना चाहिए, मुझे और समय लेना चाहिए, तो वो समय आपको लेने की ज़रूरत है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो जो समय लें उसमें आप और ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर पाएँ, एक नई ऊर्जा जो है वो आपके लाइफ में एंट्री करेगी, एक नया स्टार्टअप होगा, क्योंकि वो मेजर चीज़ें हैं, मेजर बदलाव आपके लाइफ में हो सकते हैं यहाँ पर, मेजर चीज़ें आपकी स्टार्ट हो सकती हैं लाइफ में, एंड जो प्रॉब्लम्स हैं वो एंड होंगी और हो सकती हैं लेकिन अगर यहाँ पर आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा सा ठहराव की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा समय लेने की किसी भी चीज़ में ज़रूरत है, तो बेझिझक उस चीज़ को लीजिएगा। बहुत बड़ा 30 दिन होते हैं एक मंथ में, और उस 30 दिन में हम बहुत सारे उतार चढ़ाव के साथ गुजरते हैं, हर डेली हमारे लिए नया चैलेंजेस होते हैं, तो आपको उस चीज़ को देखना होगा कि क्या मुझे यहाँ पर समय लेने की ज़रूरत है, क्या मुझे यहाँ पर ब्रेक लेने की ज़रूरत है, क्या मुझे सोचने समझने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो इस चीज़ को यहाँ पर आपको सोचने की ज़रूरत पड़ सकती है इस मंथ, और ये बहुत अच्छी बात है। ओके, और बाकी तो ओवरऑल यहाँ पर मंथ जो है वो आपका अच्छा गुजरता हुआ नज़र आ रहा है। पैसों से भी प्रॉफिट यहाँ पर काफ़ी लोगों को हो सकता है, उनके वर्क प्लेस पे भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल सकती हैं, आप किसी तरीके के पेन से भी निकल सकते हैं, बट ध्यान दीजिएगा कि कोई आपको बेवकूफ़ ना बनाने पाए इस मंथ में। हो सकता हो आपको ऐसा अंदाज़ा ही ना हो और आप बेवकूफ़ बन जाएँ, तो यस, मैं शफल कर रही थी तो ये आ रहे थे। अगर आप किसी तरीके की नेगेटिविटी में फंसेंगे इस मंथ में, अगर आपको लगे कि उस सिचुएशन से मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ निकलना, चाहती हूँ निकलना, लेकिन क्यों नहीं निकल पा रहा, तो गौर कीजिएगा अपने थॉट्स पे उस वक्त। वो चीज़ें हैं क्या जो हम पर हावी हो रही, वो हम पर हावी हो सकते हैं या हम उन पर हावी हो सकते हैं, इस चीज़ को और यहाँ पर आपको गौर करने की ज़रूरत है। बेवकूफ़ बनने की ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ है, आपका माइंड इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप किसी से बेवकूफ़ ना बन पाएँ। ओके, तो ये कुछ ऊर्जा यहाँ पर निकल कर आई है। ध्यान दीजिएगा कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स से ना जाएं इस मंथ। नेगेटिव थॉट्स अगर आपको घूमने लगे आपके माइंड में, तो उससे निकलिए, म्यूज़िक सुन लीजिए, लेकिन वो चीज़ें हावी मत होने दीजिए, अदरवाइज़ हम वही चीज़ें मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं।
चलिए देखते हैं, ये तो कुछ निकल कर आई है ऊर्जा आपके इस मंथ की, जो कि उतार चढ़ाव के साथ यहाँ पर जाने वाली है। पढ़ते तो सभी के लाइफ में होता रहता है, अगर आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, और होप आपको अच्छा लगे। देखते हैं आपको कि एंजल्स गाइडेंस आपके लिए क्या है इस मंथ, सो प्लीज़ गाइड कीजिएगा मुझे एंजल्स। एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है प्लीज़ गाइड कीजिएगा। ओके थैंक यू सो मच। ओके दो कार्ड्स आना चाहते हैं, आर्कएंजल जोफियल की तरफ से है। ओके यहाँ पर भी देखिए यही बोला जा रहा है, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ है कि आप अपनी चीज़ों को, अपने टैलेंट को निखार सकते हैं, आपके थॉट इतने अच्छे हैं कि आप उन चीज़ों को सही कर सकते हैं। आप अपनी इनर विजडम को शेयर करने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, अपनी पावर को यहाँ पर समझने के लिए बोला जा रहा है, जो कि रीडिंग में भी वही है। आप पे उतनी काबिलियत है कि आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, बट आपको ही पहचानने की ज़रूरत है कि आप कितने ज़्यादा स्ट्रांग हैं। तो यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है। और दूसरा क्या है, आप फिर से देखिए वही नेगेटिव थॉट्स अगर आप बार बार अपने माइंड में ला रहे हैं जिनसे आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पर वही चीज़ आपको बोला जा रहा है कि नो, आप में उतनी काबिलियत है। देखिए लगभग लगभग सेम मैसेज आए हैं कि आपको इतनी ज़्यादा, आई इजिली ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसम्यूट नेगेटिव एनर्जी, आपको नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर इतनी काबिलियत है कि आप उस नेगेटिव एनर्जी को निकाल कर फेंक सकते हैं। तो आपको एक बिग पिक्चर देखने के लिए बोला जा रहा है, उन्हीं चीज़ों में उलझने के लिए नहीं बोला जा रहा है। ओके आपके अंदर उतना पावर है कि आप मिरेकल्स कर सकते हैं। तो ये कुछ रीडिंग्स थी निकल कर आई है आपके लिए, होप आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। टाइमलेस जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हैं। टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय।